नमस्ते दोस्तों, न्यू वीडियो ऑफ मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैम्पियन। तो भाई हम कर रहे हैं 1.2 बॉस, और हमारा 1.2 बॉस में भाई मेरे ख्याल से है ग्रीन गोब्लिन है हमारा बॉस। तो कर रहे हैं, तो इसके सारे नोड्स में आपको बताता हूँ, और ये टीम है म्यूटेंट चैम्पियन आपको लेके जाने हैं। तो इसमें मैं CGR तो बॉस के लिए लेके आया हूँ, और भाई CGR काम नहीं करा बॉस के लिए। पहले नोड्स सुन लो। नोड्स हैं कि ना, इसमें म्यूटेंट अटैकर जब भी रीजनरेट करेंगे ना, उनको रीजनरेशन बफ मिलेगा, तब उनको फ्यूरी मिलेगी, और 5 फ्यूरी मिलेगी मैक्स, ठीक है। और इस वाले पाथ पे ना, जुबिलिया वाले पाथ पे आपको स्ट्राइकर लेके आना है। स्ट्राइकर से आपका ज़्यादा डैमेज होगा, ठीक है। 100% एक्स्ट्रा बर्स्ट डैमेज मिलेगा स्ट्राइकर से, ठीक है। और स्ट्राइकर जब भी ख़त्म हो जाएगा, तब आपको एक फ्यूरी भी प्रोवाइड करके जाएगा, जो आपका 25% अटैक रेटिंग बढ़ा देगी जुबिलिया वाले पाथ पे, ओके। और जो ये वाइट मैग्नेटो वाला पाथ है ना, इस पाथ में भी भाई थोड़ा ये हार्ड पाथ है, क्योंकि इसमें थोड़े हार्ड डिफेंडर हैं, और इसमें ये नोड लगा एक्स्ट्रा कि अगर आपने 10 सेकंड के अंदर सामने वाले डिफेंडर को नहीं मारा, तो आप 4 सेकंड के लिए रूट हो जाओगे, मतलब आप रूट में फंस जाओगे 4 सेकंड के लिए, अगर आपने 10 सेकंड के अंदर सामने वाले डिफेंडर को नहीं मारा। और इसमें आपको म्यूटेंट अटैकर लेके आने हैं, तो म्यूटेंट अटैकर को जब भी रीजनरेट बफ मिलेगा, तब जाके उनको फ्यूरी मिलेगी, और मैक्स 5 फ्यूरी मिलेगी। और जो एंजिला वाला पाथ है, वो तो बेसिक नोड वाला ही होता है, तो हम लेंगे वाइट मैग्नेटो वाला पाथ, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल लगा मेरे को। और आप ले सकते हो जुबिलिया वाला पाथ, ले सकते हो कंप्लीशन के लिए, सबसे ईजिएस्ट पाथ है जुबिलिया वाला, ओके। तो हम वाइट मैग्नेटो वाला पाथ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जुबिलिया वाले पाथ में ना रैलिक है, इसलिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और भाई ये वाला पाथ हम कर रहे हैं, तो लेके चलते हैं बिशप को, क्योंकि बिशप को खुद के रीजनरेट बफ आते हैं 5। और जैसे ही मैं 5 रीजनरेट बफ प्रोवस को रीजनरेट बफ में कन्वर्ट करूँगा ना, तो मुझे 5 फ्यूरी तभी मिल चुकी होगी। और भाई इस पाथ में अगर आपके पास बिशप नहीं है ना, बिशप अगर आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी म्यूटेंट चैम्पियन को लेके आओ, ठीक है। लेकिन जब तक आप रीजनरेट बफ नहीं लोगे ना, और रीजनरेट आपको दूसरे चैम्पियंस के साथ कैसे मिलेगा वो भी बता देता हूँ। आप कोई सा चैम्पियन लेके आ सकते हो, जैसे कि ओनस्लोथ लेके आ सकते हो, किटी प्राइड लेके आ सकते हो, डस्ट लेके आ सकते हो, सेनेस्टियर लेके आ सकते हो, लेकिन उनको रीजनरेशन बफ गेन करवाने के लिए आपको स्पेशल छोड़ने पड़ेंगे। जब भी आप म्यूटेंट अटैकर का स्पेशल छोड़ोगे ना, तो 30% चांस है कि आपको रीजनरेट बफ मिलेगा, और उसमें ही आपको 5 की 5 फ्यूरी गेन हो जाएगी। आप कोई सा लेके आ सकते हो, लेकिन आपको पहले स्पेशल बनाना पड़ेगा। स्पेशल बनाने के बाद आपको रीजनरेट बफ मिलेंगे, जो आपको फ्यूरी प्रोवाइड करेंगे पूरी की पूरी 5 मैक्स, ओके। तो कोई सा चैंपियन काम कर जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना, कि इसमें एक नोड और है, कि जब तक आपके ऊपर रीजनरेट बफ नहीं होगा ना, सामने वाले डिफेंडर को अगर आपने कोई क्रिटिकल येलो हिट है ना, जो येलो हिट क्रिटिकल हिट वो मारा, तो वो 90% उस हिट का रीजनरेट कर देगा। मतलब जैसे देख सकते हो कि मैंने पास कोई अभी रीजनरेट बफ नहीं है, मैं एपोप को लेके आया हूँ, और जो क्रिटिकल हिट है ना, वो सामने वाला डिफेंडर आप देख सकते हो कैसे हल्क रैग्नारोंग उस 90% अपनी हील वापस कर रहा है। तो ये भी एक नोड है कि अगर आपके ऊपर जब तक रीजनरेट बफ नहीं आएगा, तब तक सामने वाला अटैकर को जो भी आप क्रिटिकल हिट मारोगे, उसका वो 90% हील कर देगा, जब तक आपके ऊपर रीजनरेट बफ नहीं होगा। देख सकते हो अभी तक मुझे कोई रीजनरेट बफ नहीं मिला, लेकिन अब जैसे ही मैंने स्पेशल मारा, और देख सकते हो कि मुझे 5 की 5 मैक्स फ्यूरी गेन हो चुकी है, और मेरा डैमेज बढ़ चुका है। तो आपको कोई सा भी अपना मनपसंद का SP1 या SP2 मारना है, और आपको रीजनरेट बफ मिलेगा, जिससे आप 5 की 5 फ्यूरी गेन कर लोगे किसी भी चैंपियन से, और एक SP2 और एक SP1 और सामने वाला डिफेंडर ख़त्म। आप भाई 6-स्टार के रैंक 3 चैंपियंस भी यूज़ कर सकते हो, बहुत आराम से कर लोगे। इसलिए मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, 8-8 मिनट की वीडियो लेके आ रहा हूँ। सारे मैंने भाई पाथ कंप्लीट कर दिए हैं, 8-8 मिनट 10-10 मिनट में बॉस के साथ मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था मैं आप लोगों का, इसलिए मैं अपने हाई रैंक के चैंपियन यूज़ कर रहा हूँ, वरना तो भाई मेरे पास रैंक 3 का भी बढ़े जिनसे मैं कर सकता हूँ। अगर आपको रैंक 3 के चैंपियंस के साथ ये कंप्लीशन चाहिए, तो अभी मैंने बॉस के जो बॉस 2 नए आए हैं ना, उनका भी मैंने पाथ कंप्लीट किया नहीं है, उनकी वीडियो में 5-स्टार चैंपियंस यूज़ करके और 6-स्टार के रैंक 3 चैंपियन यूज़ करके बना दूंगा, अगर आप कमेंट में कह दोगे। और टेंशन मत लेना भाई, जो मैंने गिव अवे कहा था ना 600 सब्सक्राइबर पे, वो मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि किन 2 बंदों को मैं गिव अवे दूँ, ठीक है। तो अभी करूँगा, मैं पक्का करूँगा, मैं भूला नहीं हूँ, मैं करूँगा गिव अवे 2 बंदों को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे उनको मैं गिव अवे दूँगा, और उनका कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट करके दूँगा मैं, ठीक है, किसी भी एक्ट का।
तो गिव अवे जरूर होगा, टेंशन मत लेना कि मैं भूल गया हूँ, 600 सब्सक्राइबर हो गया मुझे भी पता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी गिव अवे करूँगा, ठीक है। और अब हमारी गौर से फाइट है, गौर की फाइट थोड़ी मुश्किल है क्योंकि इसको इसका खुद का भी रीजनरेट बफ मिलता है और ये ऊपर से भी रीजनरेट बफ गेन करेगा नोड की वजह से, तो ये फाइट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस फाइट के लिए बिशप बहुत अच्छा काउंटर रहेगा और पूरे तीनों पाथ के लिए बिशप बहुत अच्छा रहेगा। और भाई बिशप इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि ना आपने बस एक काम करना है बिशप के साथ, आपने प्रोवस गेन करके ब्लॉक होल्ड करना है, ब्लॉक होल्ड करके 5 की 5 रीजनरेट बफ आपके ऊपर आ जाएंगे, फ्यूरी आपको मिल जाएगी, आपको बस 30 से ज़्यादा प्रोवस पैरी करके जमा करना है और उसके बाद SP2 मारना है एक और सामने वाला ख़त्म, ठीक है। तो बिशप से भाई आप बहुत आराम से पूरा 5 चीज़ की तरह निपटा सकते हो। और भाई देख सकते हो मैं रूट में तो फंस गया हूँ लेकिन मैं पैरी कर रहा हूँ, मैं प्रोवस जमा कर रहा हूँ और SP2 पे जाने के लिए सोच रहा हूँ। देखो SP2 पे जाऊँगा मैं, मेरे पास 37 प्रोवस हो गया है, ठीक है, 5 की 5 फ्यूरी मैंने गेन कर लिया है और बस अब मेरे को SP2 पर जाके एक पैरी पकड़ के और एक SP2 ठोकना है इसको और ये ख़त्म। और ऊपर से इनको इंसानेट बफ भी मिलेगा जिसकी वजह से इनको डैमेज मिलेगा, इंसानेट का भी देख सकते हो कितना तगड़ा डैमेज मिल रहा है, 6,000-6,500 का डैमेज है एक इंसानेट का, देख सकते हो बिशप बहुत चीज़ निपटा देगा। और अब हमारा बोस है ग्रीन गोब्लिन, तो ग्रीन गोब्लिन के लिए मैं CGR लेके आया था लेकिन CGR ना काम नहीं करा, तो भाई फिर मैंने ये फाइट सरपेंट से निपटाई, मैंने सरपेंट से 1 या 1.5 मिनट में निपटा दी थी, ठीक है। तो भाई मैं CGR से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सरपेंट तो ईजी है, सबको पता है कि सरपेंट से कर ही सकते हैं। और भाई मैं आपको ना इसके नोट्स बता दूँ, पहले अगर आप 2 बार पीछे गए ना, अगर आपने डेक्स करने के बाद एक और बार डेक्स किया तो सामने वाले ग्रीन गोब्लिन को एक रीजनरेट बफ मिलेगा जो इसकी 10% हेल्थ इसको वापस दे देगा। तो आपने ध्यान से देखो, रीजनरेट का टाइमर शुरू हो जाता है, अगर एक साथ में 2 बार पीछे गया ना तो इसको रीजनरेट बफ मिलेगा, ठीक है। तो आपने ग्रीन गोब्लिन को रीजनरेट बफ नहीं देना। और दूसरी बात जो इसमें आपको ध्यान रखनी है कि ग्रीन गोब्लिन को अगर आपने कोई भी डीबफ लगाया तो वो डीबफ ये प्यूरीफाई करेगा और उस दूसरे डीबफ को लेगा, जैसे कोई भी जैसे नोड होता है ना, जैसे डीबफ आपने इस पर कोई भी डाला तो उस डीबफ को प्योरीफाई कर देगा ये और रीजनरेट वो पावर गेन कर लेगा, ठीक है, 25% पावर गेन कर लेगा और उस डीबफ को प्योरीफाई कर लेगा। फिर टाइमर सा चलेगा, उस टाइमर के अंदर अगर आपने क्या नाम है मार जितने डीबफ लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन वो टाइमर जैसे ही ख़त्म होएगा ना, वे देखो पैरी मैंने किया लेकिन पैरी हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि इसने पावर गेन कर ली 25% और इसने प्योरीफाई कर लिया बफ, और देखो टाइमर खत्म हो गया। अब मैं दोबारा मेरे को रीपैरी करना पड़ेगा, 2 बार पैरी करना पड़ेगा अगर मैं इसको पैरी करना चाहता हूँ। और इसको ना अनब्लॉकेबल चार्ज मिलेंगे और ये अनब्लॉकेबल चार्ज का मेरे को पता नहीं कैसे मिलेंगे, लेकिन अनब्लॉकेबल ये पूरी फाइट के लिए नहीं होएगा, कुछ सेकंड्स के लिए ही होएगा, कुछ 5 या 6 सेकंड्स के लिए। और भाई आप देख सकते हो कि बिशप से भी मैंने ये फाइट बहुत आराम से निपटाई और आप भी निपटा सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ग्रीन गोब्लिन। अगर आप डूम लेके आओगे तो डूम भी इसके लिए बहुत अच्छा काउंटर रहेगा, और डूम रहेगा, मेड्यूसा रहेगी, सरपेंट तो बहुत ही आराम से देख लेगा और ये फाइट भी ख़त्म। और बहुत इजीली हमने कंप्लीट कर लिया है, बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।